हेलो एवरीवन, नेहा किचन कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बंगाल की एक फेमस मिठाई संदेश की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इस रेसिपी में सामान तो बहुत ही कम लगता है। इस मिठाई को ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए फिर हम इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को फाड़ेंगे, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 नींबू का रस लिया हुआ है। अब हम इसमें पानी मिला लेंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध का यूज किया है और दूध हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें नींबू का और पानी का मिश्रण डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस दूध को फाड़ के हम पनीर बनाएंगे। तो पनीर जो है दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा हमारा दूध है, तो पनीर उस हिसाब से हमारा इससे निकलेगा। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालना है और इसे चलाते रहना है जब तक हमारा दूध फट नहीं जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध जो है फट चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम जो है बंद कर देंगे। चलिए अब हम इसे छान के इससे पनीर अलग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर लिया है और अब हम इसमें एक कपड़ा बिछाएंगे। तो मैं यहाँ पे सूती के कपड़े का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मलमल का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम पनीर को छान के अलग कर लेंगे। तो ये जो पानी बचता है तो इसे आपको फेंकना नहीं है, आप चाहें तो इससे कढ़ी बना सकते हैं या फिर आप सब्जी में यूज कर सकते हैं या फिर आप इसका यूज जो है आटा गूंथने में कर सकते हैं, क्योंकि इस पानी को आप बेकार समझ के फेंके नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैट और न्यूट्रिशन अभी भी मौजूद है। तो अब हम इस पनीर को साफ पानी से धो लेंगे ताकि हमने जो नींबू इसमें डाला हुआ था इसे फाड़ने के लिए उसका जो टेस्ट है वो निकल जाए। तो इसे धोना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो उसका जो टेस्ट है पनीर के अंदर आ जाता है। तो चलिए अब हम धो के इसका पानी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब हम इससे मिठाई बनाना शुरू करते हैं। अब हमें इसे अच्छे से तोड़ के स्मूथ कर लेना है। अगर आप पनीर घर में नहीं बनाना चाहते तो आप इसे मार्केट से भी खरीद सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसे अच्छे से मसला हुआ है, जिससे यह बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो अब हम इसको एक कटोरी में डाल के मेजरमेंट करेंगे कि ये कितना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक कटोरी से हल्का सा कम है। तो जितना हमारा ये पनीर है उसकी आधी हमें शक्कर लेनी है। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो इसे मेल्ट करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस सकते हैं या फिर आप इसे डायरेक्ट पैन में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पैन में डाल दिया है और यहाँ पे मैंने गैस का जो फ्लेम है उसे मीडियम टू लो रखा हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा मिक्स है वो मेल्ट होना शुरू हो गया है। अगर यह थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने के बाद आपको स्मूथ नहीं दिखता है, इसमें हल्का हल्का दाना सा दिखता है, तो आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम बंद करना है और इसे थोड़ा सा ठंडा करना है और मिक्सर में डाल के पीस लेना है। तो हमने यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है उसे लो रखा हुआ है। अब हम इसे चलाते हुए तब तक पकाएँगे जब तक यह गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे चलाते हुए हमें लगभग 2 से 3 मिनट हुआ है और यह गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी इसे हमें 1 मिनट और पकाना है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। तो अब हम इस स्टेज में कुछ बूंदे डालेंगे रोज एसेंस की। आप चाहे तो यहाँ पे केवड़ा वाटर का भी यूज कर सकते हैं या फिर गुलाब जल का। तो अब हम एसेंस को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अब हम इस मिक्स को ठंडा कर लेंगे। आप चाहे तो इसे इसी तरीके से चलाते हुए ठंडा कर ले, या फिर इसे आप पंखे के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ठंडा करने के बाद फिर से स्मूथ करेंगे। आप चाहे तो इसकी ऐसे ही मिठाई बना सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा स्मूथ करूँगी ताकि हमारी मिठाई जो है बिल्कुल मुँह में घुलने वाली बने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्स है बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो चलिए अब हम इससे मिठाई बनाना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स अपने हाथों में ले रही हूँ और इसे ऐसे हथेलियों के बीच में रख के गोल गोल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो आप यहाँ पे अपने मनपसंद का कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही गोल गोल बना रही हूँ। तो ये देखिए, हमारी एक मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से हम सारी मिठाई बना के तैयार कर लेंगे। इस शेप की मिठाई बनाना बहुत ही आसान है। तो आप कोई भी शेप ट्राई कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मज़ेदार सी मिठाई बनके तैयार हो गई है और कितनी ज़्यादा स्मूथ दिख रही है आप देख सकते हैं। यह खाते ही मुंह में घुल जाएगी। तो आप इसे ठंडा करके ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा मार्केट वाला लुक दूंगी, जिसके लिए मैं इसे चांदी के वर्क और थोड़े से पिस्ता से गार्निश करूँगी। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हम घर पर ही कितनी आसानी से मार्केट जैसी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। तो आपको इस कोरोना टाइम में बाहर से मिठाई लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर पर ही इसे ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगी तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।